Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos and your studies are also going well. But as I always tell you, your health should be your priority. You must take care of your health. आप बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, आप properly hand wash करते रहें और अपने पेरेंट्स की बात माने, पेरेंट्स को ज्यादा परेशान ना करें, ठीक है? और पढ़ाई आप जैसे कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. चिल्ड्रन, यू नो दैट वी आर डूइंग यूनिट 14 ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर बुक. टुडे ऑल्सो वी विल कंटिन्यू द सेम यूनिट. आज हम सेम यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें जो हम आगे करेंगे उससे पहले, जो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा रिवाइज करते हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था, उसको एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो, व्हाट वी लर्न्ड. चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द यूनिट इज I did it yesterday, which is related to past tense. And children, I have told you that past tense of any verb tells us that the action took place in the past. वो action, वो जो verb है, जो action है, वो already हो चुका है. Action took place in the past. चिल्ड्रन, उसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब को हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं, ठीक है? मैंने आपको तीन चार तरीके बताए थे. पहला बताया था कि मोस्टली जो होता है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है उसमें ईडी लगा देते हैं, उसके एंड में ईडी लगाकर हम पास्ट टेंस बनाते हैं, ठीक है? दूसरा आपको बताया था मैंने कि वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है, वर्ब का जो लास्ट लेटर है उसको डबल करना और फिर ईडी लगाना, ये आपको मैंने दूसरा तरीका बताया था, ठीक है? तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर जो वर्ब है हमारा उसके लास्ट में, उसका लास्ट लेटर अगर ई है, हमारे वर्ब का, हमारे एक्शन वर्ड का अगर लास्ट लेटर ई है तो हम सिर्फ डी ऐड कर देते हैं और हमारा पास्ट टेंस बन जाता है, वर्ब का पास्ट टेंस बन जाता है, सिर्फ डी लगाते हैं अगर वर्ब का लास्ट लेटर ई है तो, ठीक है? एक्शन वर्ड जो हमारा है उसका लास्ट लेटर अगर ई है तो सिर्फ डी लगाते हैं. अच्छा, अगर हमारा जो एक्शन वर्ड है उसके लास्ट में एस या ई एस है, अगर हमारे एक्शन वर्ड के या जिसको हम डूइंग वर्ड बोलते हैं या जिसको हम वर्ब बोलते हैं उसके लास्ट में अगर एस या ई एस है तो हमें पास्ट टेंस बनाने के लिए एस और ई एस को रिमूव कर देना पड़ता है. वी ड्रॉप द एस एंड ई एस और उसकी जगह पे हम डी या ई डी लगा देते हैं एज पर द वर्ब, एज पर द रिक्वायरमेंट वी एड डी और ई डी, ओके? अच्छा, अब हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म है, अगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड जो है, एक्शन वर्ड का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके एंड में अगर आई ई एस है, उसके लास्ट में अगर आई ई एस है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस को रिमूव करते हैं, आई ई को रहने देते हैं, हम सिर्फ एस को रिमूव करके उसकी जगह पर डी लगा देते हैं और हमारा पास्ट टेंस बन जाता है, ठीक है? अच्छा, पर कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स भी होते हैं या कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके पास्ट टेंस थोड़ा सा अलग होता है, उसमें डी ई डी ये सब लगाने से पास्ट टेंस नहीं बनता है, वो उनके रूल्स अलग होते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे बाय का बॉट, टीच का टॉट, ठीक है, सिंग का सैंग, स्लीप का स्लेप्ट, कीप का कैप्ट, तो ये इसका अलग रूल है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस से और लर्न करने से ही आएगा, ये हमने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ था, ठीक है? तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमें क्या करना है,
आज की वीडियो में हम सेंटेंसेस करने वाले हैं जो आपके बुक में दिए हैं, आपके ग्रामर बुक में वो दिए हुए हैं, सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस एंड सेम सेंटेंस को फिर पास्ट टेंस में भी लिखा हुआ है. सेम सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस ऑल्सो. तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में वर्ब में क्या डिफरेंस है. बिकॉज वर्ब ओनली टेल्स अस द टाइम, बिकॉज द वर्ब रेफर्स टू टाइम, कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है. तो लेट्स चेक इट. यहां पर मैं लिख रही हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर और इस तरफ मैं लिखूंगी सिंपल पास्ट टेंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस. नंबर वन इज आई प्ले इन द पार्क डेली. दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट फॉर्म. कैसे हमें पता कि ये प्रेजेंट फॉर्म है? वी हैव टू सी द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस. इस सेंटेंस में हम पहले देखेंगे कि एक्शन वर्ड क्या है. इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड कौन सा है, कौन सा डूइंग वर्ड है, या जो ग्रामर की भाषा में बोले तो वर्ब कौन सा है. आई प्ले इन द पार्क, कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि कोई वर्क है, कोई काम. एक्शन इज प्ले, है ना. आई प्ले इन द पार्क, पार्क तो एक प्लेस है ना, पार्क तो प्लेस है. तो हमारा ये क्या है, और आई प्रोनाउन है. इन जो है वो प्रपोजिशन है, जिसके बारे में हमने इंग्लिश के कोर्स बुक में पढ़ा. ये जो है प्ले जो है वो हमारा एक्शन वर्ड है. प्ले हमारा एक्शन वर्ड है एंड इट शोज दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म. आई प्ले इन द पार्क डेली, मैं रोज पार्क में खेलता हूँ. डेली आई रो मतलब आई प्ले इन द पार्क डेली, मैं डेली पार्क में खेलता हूँ. ठीक है, अब इसका पास्ट कैसे बनाएंगे. आई प्ले का हो जाएगा प्लेड. मैंने बताया था मोस्टली हम ईडी लगा के बना लेते हैं पास्ट टेंस, तो यहां हमने सिंपली ईडी लगा दिया. आई प्लेड इन द पार्क, आई प्लेड इन द पार्क लास्ट इवनिंग. चिल्ड्रन हियर दिस वर्ड लास्ट इवनिंग. यहां पर लास्ट का मतलब आखिरी नहीं है, काउंटिंग वाला लास्ट नहीं है. लास्ट मतलब जो पिछला, जो बीत गया. ओके, लास्ट इवनिंग जो पिछला पिछली शाम थी जो बीत गई, जस्ट एक पहले वाली वो, तो लास्ट इवनिंग. तो आई प्लेड, यहां पर ये जो एक्शन है प्लेड, इससे पता चलता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ. बिकॉज प्ले नहीं, ये प्लेड है. तो मैंने खेला, आई प्लेड इन द पार्क लास्ट इवनिंग, पिछले शाम मैंने पार्क में खेला. अभी नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेलता हूं, मैं पिछले शाम को पार्क में खेला या खेली. ठीक है, नेक्स्ट. आई होप ये आपको समझ में आया है ना. नाउ सेकेंड वन इज ही buys sandwiches. He buys sandwiches. Now children, here the verb is buys, खरीदना. ठीक है, He buys sandwiches. वो सैंडविच खरीदता है. He buys sandwiches. अब हमें इसी buy का past form बनाना है.
ये बाय जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, इसका पास्ट टेंस हम बनाएंगे. तो हम लिखेंगे ही, बाय का हो जाएगा बॉट. बाय का पास्ट टेंस होगा बॉट. ही बॉट सैंडविचेस. उसने सैंडविच खरीदे, खरीद चुका, मतलब अभी खरीद नहीं रहा है, वो खरीद चुका है. ही बॉट सैंडविचेस, उसने खरीदा. पास्ट में ये एक्शन हुआ, उसने सैंडविचेस खरीदा और यहां पर वो खरीदता है. तो यहां पे ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये उसका पास्ट फॉर्म है. ही बॉट सैंडविचेस. ओके, ही बॉट सैंडविचेस. ही बाय सैंडविचेस, ही बॉट सैंडविचेस. नंबर थ्री, we celebrate GANDHI Gandhi Jayanti every year. Now here the verb is, the action word is celebrate. We celebrate Gandhi Jayanti every year. हम हर साल गांधी जयंती मनाते हैं. हैं present form. हम हर साल गांधी जयंती मनाते हैं. We celebrate गांधी जयंती every year. Here the word celebrate tells us that the sentence is in the present form. Now we'll write the past tense of celebrate. तो हम यहां लिखेंगे we. CELEBRATE. लास्ट में जब ई होता है तो हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, डी. वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया, मतलब मना चुके. वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया क्या, गांधी जयंती. गांधी, वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती सम टाइम अगो, कुछ समय पहले. कुछ समय पहले, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले हमने गांधी जयंती मनाया, मतलब अभी मना नहीं रहे हैं, हम मना चुके हैं. वी सेलिब्रेटेड, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सेलिब्रेट. सेलिब्रेट का पास्ट इज सेलिब्रेटेड. We celebrated Gandhi Jayanti some time ago. Okay? I hope these three sentences of present form and past form is clear to you all. Now let's write some more sentences that are given in your grammar book. Okay? Let's do. Okay, now we'll do the next one, that is mom packs my lunch box. Sentence number four is mom packs my lunch box. This is the sentence. And here it is the verb. ये हमारा ये action है. मम्मी क्या करती है, पैक करती है. पैक करना क्या है, एक्शन वर्ड है या डूइंग वर्ड है. मॉम क्या करती है, पैक करती है. क्या पैक करती है, लंच बॉक्स करती है. मॉम, मॉम पैक्स माय लंच बॉक्स. अब इसका पास्ट फॉर्म हम देखेंगे. इसका पास्ट फॉर्म है मॉम पैक्स का पास्ट टेंस होगा पैक्ड. पैक्स का क्या हो जाएगा, पैक. मॉम पैक्ड माय लंच बॉक्स. मॉम ने, मम्मी ने मेरा लंच बॉक्स पैक
किया मतलब वो कर चुकी, ये एक्शन हो चुका है। कैसे पता कि हो चुका है? यहाँ पे है पैक्ड, मतलब पैक कर चुकी है, अभी नहीं कर रही है या नहीं करती है, वो पैक कर चुकी है। पैक का पास्ट टेंस है पैक्ड, मॉम पैक्ड, वो पैक कर चुकी है। मॉम पैक्ड माई लंच बॉक्स, पैक पैक्ड। नेक्स्ट इज मिसेस आशा, ए एस एच ए, मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक। मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक, मिसेस आशा हमें म्यूजिक पढ़ाती हैं, हमें संगीत सिखाती हैं। ओके, मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक, वो हमें म्यूजिक सिखाती हैं। अब इसका पास्ट टेंस क्या होगा? यहाँ पे एक्शन क्या है? टीचेस, तो टीचेस का हमें पास्ट टेंस देखना है। ठीक है, तो लिखेंगे मिसेस आशा, अब टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट, टीच का पास्ट टेंस टॉट, मिसेस आशा टॉट, ठीक है, टीच का हो जाएगा टॉट अस म्यूजिक लास्ट ईयर। पिछले साल, लास्ट ईयर, जो साल बीत गया है, जो साल बीत गया है, दैट इज कॉल्ड लास्ट ईयर। तो पिछले साल मिसेस आशा ने हमें संगीत सिखाया, सिखाती नहीं है, सिखा नहीं रही है, सिखाया। तो टीच का हो गया टॉट, मिसेस आशा टॉट अस म्यूजिक लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सिक्स, आस्था राइट्स नीटली, हियर द वर्ब इज, द एक्शन वर्ड इज राइट्स, आस्था राइट्स नीटली, आस्था बहुत साफ सुथरा लिखती है। अब हमें राइट का पास्ट टेंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे आस्था, राइट का हो जाएगा रोट, अ लेटर, आस्था रोट अ लेटर टू हर ग्रैंडपा, आस्था रोट अ लेटर टू हर ग्रैंडपा। अब यहाँ पे राइट का क्या हो गया? रोट, राइट का पास्ट टेंस रोट। आस्था ने अपने दादाजी को या नाना जी को लेटर लिखा, ठीक है, रोट, राइट का पास्ट टेंस रोट। आस्था राइट नीटली, आस्था रोट अ लेटर टू हर ग्रैंडपा, अपने दादाजी को उसने लेटर लिखा, रोट। ओके, राइट का पास्ट टेंस रोट। लेट्स राइट सम मोर सेंटेंसेस, आई होप सेंटेंस नंबर 4, 5 and 6 यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सेंटेंसेस, लेट्स राइट दो सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 7, दे सॉल्व रिडल्स, दे सॉल्व रिडल्स, दे सॉल्व रिडल्स। अब इसको हम कहते हैं, यहां पर एक्शन है सॉल्व, एक्शन वर्ड है सॉल्व,
वो रिडल सॉल्व करते हैं। रिडल्स मतलब पहेलियां, पहेलियां सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यहाँ पर एक्शन है, तो इसका हम अब सॉल्व का पास्ट टेंस बनाएंगे। तो हम लिखेंगे दे सॉल्व, लास्ट में ई है तो हमने डी लगा दिया, दे सॉल्व रिडल्स, दे सॉल्व रिडल्स। सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व, दे सॉल्व रिडल्स। नंबर एट, सेंटेंस नंबर एट, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर हमारा एक्शन है जागना, मैं सुबह सुबह जल्दी जाग जाता हूँ या जाती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागती हूँ। जागना वेक, उठना, ठीक है। तो वेक का पास्ट टेंस होगा आई वोक, वेक का होता है वोक, पास्ट टेंस ऑफ वेक इज वोक। आई वोक अप लेट, मैं लेट उठी या मैं लेट उठा, उठा मतलब नींद से उठना, यहां पर नींद से उठना, कहीं बैठे हैं वहां से उठना नहीं, सोकर उठना, ठीक है। वेक जब हम सोकर उठते हैं दैट इज वेक, तो वेक का पास्ट टेंस वोक, वेक का पास्ट टेंस वोक। सेंटेंस नंबर नाइन, तान्या सिट्स विद मी, तान्या सिट्स विद मी। यहां पर एक्शन वर्ड क्या है, सिट्स बैठना, बैठना एक्शन है। तान्या सिट्स विद मी, तान्या मेरे साथ बैठती है, और इसका पास्ट टेंस होगा तान्या सैट विद मी, तान्या सैट विद मी, तान्या मेरे साथ बैठी थी, अभी नहीं बैठी है। तो सिट का पास्ट टेंस सैट, सिट सैट, तान्या सिट्स विद मी, तान्या सैट विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू स्लीप अर्ली, यू स्लीप अर्ली। यहां पर हमारा एक्शन क्या है, स्लीप, यू स्लीप अर्ली, और स्लीप का पास्ट टेंस हो जाएगा स्लेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट, यू यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। You slept in the afternoon. तुम दोपहर को सोए थे। Sleep का हो जाएगा slept. Sleep, slept. Past tense is slept. Children, we have done 10 sentences of simple present tense and the simple past tense of the same verb. दोनों में जो verb था उसको हमने किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब था, जो एक्शन वर्ड था, उसी का हमने पास्ट फॉर्म देखा दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बनाना आपको समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म के वर्ब को पास्ट टेंस में बनाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत सी वर्ब्स ऐसे याद करने पड़ेंगे, उनके पास्ट टेंस को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब में एक ही रूल वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, नाउ विल डू द नेक्स्ट वन, विल डू द नेक्स्ट।
done this. Children, the sentences that we just did वो कौन से पेज पर है? पेज नंबर 57. आपकी जो ग्रामर की बुक है उसके पेज 57 पे ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. मतलब इनका प्रेजेंट फॉर्म भी दिया हुआ है और इसका पास्ट फॉर्म भी दिया हुआ है. दोनों ही दिया हुआ है. दैट आई जस्ट एक्सप्लेन, ये आपके ग्रामर बुक के पेज नंबर 57 का है. ठीक है, नाउ वी विल डू सम मोर वर्ड्स ऑफ पास्ट टेंस. हम पास्ट टेंस के कुछ और वर्ड्स कर लेते हैं. ऑफ कोर्स जो आपके बुक में दिया है पहले हम उसी को करेंगे, देन विल डू अदर्स. सो लेट्स डू सम मोर वर्ड्स ऑफ पास्ट टेंस. ओके, लर्न, इसमें आपको बोला क्या है? लर्न करने के लिए. जो मैं आपको जब मैंने ये शुरू किया था यूनिट, उस टाइम से मैं बोल रही हूँ कि यू नीड टू लर्न द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, बिना लर्न किए आप ये नहीं सीखेंगे. ठीक है, आपको और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और लर्न भी करना पड़ेगा. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से आएगा. ठीक है, तो लेट्स राइट द प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ सर्टेन वर्ड्स. प्रेजेंट एंड पास्ट, हम कुछ वर्ड्स यहाँ प्रेजेंट में लिखेंगे और फिर उनका हम पास्ट देखेंगे कि उनका पास्ट फॉर्म कैसे बनता है. ठीक है, लेट्स राइट. फर्स्ट इज कम. फर्स्ट हमारा जो वर्ब है वो है कम. कम, तो कम का पास्ट टेंस होगा केम. ये जो ओ है ये हो जाएगा ए. कम केम, कम एंड पास्ट फॉर्म इज केम. सेकेंड वर्ड इज जी ओ गो. गो का पास्ट होता है गोड नहीं, वेंट. गो का हो जाएगा वेंट. पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट. गेट, द वर्ड इज जीई टी गेट. गेट का पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म होता है जी ओ टी गॉट. ये जो ई है वो ओ हो जाता है. गेट का पास्ट टेंस गॉट. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिंक, डी आर आई एन के. ड्रिंक का पास्ट टेंस है ड्रैंक, डी आर. ये जो आई है वो हो जाता है ए. ड्रिंक ड्रैंक, ड्रिंक पास्ट टेंस इज ड्रैंक. देन द वर्ड इज एस डबल ई सी. एस डबल ई सी, और सी का पास्ट टेंस सॉ. एस ए डब्ल्यू, सी का पास्ट टेंस सॉ. नेक्स्ट इज पेंट, पी ए आई एन टी. पेंट का पास्ट टेंस होता है पेंटेड. पेंट की आप स्पेलिंग लिखेंगे पी ए आई एन टी ई डी, उसमें हम लगा देंगे ई डी. पेंट पेंटेड, पेंट का हो जाएगा पेंटेड. ठीक है, देन लेट्स राइट सम मोर वर्ड. यहां पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट एंड देन आई वुड राइट हियर पास्ट, क्योंकि उधर नीचे जगह नहीं है. आई होप जो हमने लिखा वो आपको क्लियर हो गया. जस्ट लुक एट इट. सो लेट्स डू सम मोर वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज डू, डी ओ डू. डू प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट क्या होगा? पास्ट फॉर्म ऑफ डू इज डिड, डी आई डी. डू का पास्ट फॉर्म डिड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक, टी ए के ई. टेक का पास्ट टेंस होता है
T-O-O-K, took, take, and the past form is took, okay, take, then took, then want, and want ka hoga, wanted, want का wanted, इसमें पूरा हमें want की normal जो spelling होती है वो लिख लेंगे और उसमें हम लगा देंगे ed, ठीक है, want की spelling लिख के उसमें लगाएंगे ed. There we have done how many words? 3, 3, 6, 7, 8, 9. One more, let's do one more. Write, w r i t e, write, और उसका past होता है wrote. We just did this. Write का past is wrote. तो अभी हमने आज 10 वर्ड्स किए प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना ही क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस किए फिर उसी पर बेस्ड पास्ट टेंस के सेंटेंसेस किए और हमने कुछ वर्ड्स प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के किए. लर्न दीज वर्ड्स, इसको आप लर्न कीजिए, जो 10 वर्ड्स हैं इनके प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म को आप लर्न कीजिए. बाकी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके के प्रेजेंट फॉर्म को हमें लर्न करना है विद द पास्ट फॉर्म. प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म को हमें लर्न करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है. तो ये जो है आज आप ये 10 वर्ड्स याद कीजिए, ठीक है, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.